दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। इससे पहले हमने आपको ये जो i10 थी इसके टॉप मॉडल के बारे में हमने आपको बताया था। आज इसका जो ये स्पोर्ट्सी मॉडल है ये हम लेके आ रखे हैं। इसका स्पोर्ट्सी मॉडल थोड़ा मतलब दिखने में सेम वैसा ही है, बस फीचर्स में डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा, प्राइस में डिफरेंस आया था, बस उससे ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। अब देखो जो स्पोर्ट्सी मॉडल है ये आपको अभी ऑन द रोड नहीं पता, लेकिन एक्स शोरूम पड़ जाता है कितना, 7,20,000 ना, 7,20,000 तक, 7,20,000 रुपये का ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम पड़ती है। अगर फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से देखने में कोई डिफरेंस नहीं, बस कलर का डिफरेंस है, लेकिन वही आपको क्या कहते हैं प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे नीचे जो DRLs हैं वो मिल जाएंगे, सेम वही फंक्शन है, फ्रंट से दिखने में कोई चेंज नहीं है, वैसा ही आपको बम्पर का डिज़ाइन मिलेगा। फर्क इतना है कि फीचर्स में यहाँ पे डिफरेंस आता है, जैसे उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इस नीचे के मॉडल में आपको 4 एयरबैग्स मिल जाएंगे। अब देखो जैसे सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से हर गाड़ी में मतलब टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स होने चाहिए, तो हुंडई जो है इस चीज़ को अप्लाई कर रही है, नीचे के मॉडल में 4 एयरबैग, ऊपर आपको 6 एयरबैग्स दे रही है। और इंजन की बात करते हैं, देखो इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है ना यहाँ पे, इंजन बिल्कुल सेम है, एक ही इंजन ऑफर करा जा रहा है, सिर्फ पेट्रोल इंजन, डीजल नहीं मिल रहा है। ये गाड़ी या तो आपको मैनुअल के साथ मिलेगी, ऑटोमेटिक के साथ मिल जाएगी, लेकिन इंजन आपको सिर्फ यहाँ पे पेट्रोल देखने को मिलेगा, नेचुरल वाला 1.2 लीटर है, कापर सीरीज का इंजन है, निकाल रहा है यहाँ पर ये 82 की BHP, 113 Nm का टॉर्क। और माइलेज की बात करते हैं तो 21 का माइलेज कंपनी इसमें क्लेम कर रही है, वही 12 CC का मतलब इंजन यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी अगर हम साइड में आते हैं तो देखो, हाँ अब ये नीचे का मॉडल है तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, दिखने में अलॉय जैसे लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये जो है ये व्हील कैप है। लेकिन ये है कि नीचे के मॉडल होने के हिसाब से 15 इंच की स्टील रिम अभी भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीचे का मॉडल है तो जो प्रोफाइलिंग है उसको छोटी कर दी है 1 इंच, अभी भी 15 इंच का ही सेटअप आपको मिलता है। बाकी ब्रेक्स तो वही है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम आपको उतना ही मिलता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और जो ORVM है ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, और इसमें भी आपको इंडिकेटर्स LED में देखने को मिलते हैं। साइड में बस एक ही फर्क है टॉप एंड से कि इसमें अलॉय व्हील नहीं मिल रहे हैं, उसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, उसमें थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, इसमें आपको लॉक अनलॉक चाबी से करना पड़ेगा, अंदर चाबी लगानी पड़ेगी। और फ्यूल टैंक आपको को ड्राइवर साइड मिलता है 37 लीटर्स का, और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम यहाँ पे रखी गई, मतलब अगर आपको एक बार चेक करना है देखो ये बिल्कुल टॉप मॉडल है, अलॉय व्हील सब कुछ क्रोम वोम सब लग रखा है, तो इस तरह से दिखेगा। और जो स्पोर्ट्सी मॉडल है नीचे का मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्रोम की वजह से, बाकी ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब पीछे की तरफ को आओगे तो देखो भाई, पीछे जैसे मैं कहता था ना, पीछे का लुक ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टेल लैंप जो डिज़ाइन यहाँ पे चेंज कर रखे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। नियोस अभी भी वैसा ही लिखा हुआ है जैसे पहले इसके जो पुराना अपडेट था उसमें आता था, लेकिन टेल लैंप की वजह से काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है यहाँ पर। बाकी फीचर्स वही हैं, पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा आपको इस मॉडल में भी मिल जाता है, बस फर्क इतना है वाइपर आपको इसमें नहीं मिलेगा लेकिन डिफॉगर इसमें मिलते हैं। और कन्फ्यूज मत होना कि बीच में आपको लाइट मिलती है, पूरा कनेक्शन है, ऐसा नहीं है, लाइट सिर्फ आपकी यहाँ पर एंड हो जाएगी, ये सिर्फ आपको रिफ्लेक्टर का काम करेगा, कैमरा वगैरह सब कुछ जैसे युगल ने कहा इसमें मिलता ही मिलता है। और बूट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, देखो बूट भी सेम वही है, 260 लीटर की मिलेगी, फर्क इतना है कि पार्शियल ट्रे का ऑप्शन इस वाले मॉडल में भी हमको मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है। बाकी पीछे आपको लाइट मिल जाएगी और एज यूजुअल जो टूल किट्स होते हैं वो भी आपको यहीं पर मिलते हैं, और जो स्पेयर व्हील है वो आपको एक साइज छोटा मिलेगा इसमें। और इंटीरियर अगर आप देखते हो देखो इंटीरियर कुछ इस तरह से, जैसे हमने पहले पुरानी वीडियो में कहा था इंटीरियर में ऐसा कोई अपडेट नहीं हो रखा है, बस जो सीट्स है यहाँ पे वो चेंज हो रखी है, मतलब लेदर और फैब्रिक का यहाँ पे मिक्स आपको मिल जाएगा। पीछे देखो इस मॉडल में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, टॉप मॉडल में आपको प्रोवाइड होते हैं, लेकिन आगे अभी भी आपको फिक्स वाले ही मिलेंगे। और अगर यहाँ पे अंदर वैसे फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एक चीज़ हमको अच्छी लगी कि स्पोर्ट्सी जो मॉडल है इसमें भी आपको जो क्रूज कंट्रोल है उसका ऑप्शन मिल जाएगा, टॉप मॉडल में तो मिलता ही है, इसमें भी ये चीज़ कंटिन्यू रखी गई है। बाकी फिलहाल अभी हमारे पास चाबी नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको हम ऑन करके दिखाते हैं। हाँ यहाँ पे आपको इस मॉडल में स्टार्ट स्टॉप जो बटन है नहीं मिलता, मैनुअली आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है वो मिलता है। बाकी फीचर्स तो वही है सारे, और कोई डिफरेंस फीचर्स वही है। अच्छी चीज कंपनी ने यही करी कि नीचे वाले मॉडल में मतलब सेकंड टॉप में बस 2 एयरबैग कम करे, और सेफ्टी फीचर्स सारे सेम रहने दिए, लाइक आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ABS CVT आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिलेगा, मतलब मैनुअल गाड़ी में हमने बहुत कम गाड़ियों में देख रहे हैं जिस समय हिल होल्ड मिल जाता है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिलेगा। अदर फीचर्स की बात करते हैं तो 8 इंच की डिस्प्ले है, एंड्रॉइड भी सपोर्ट करती है, एप्पल भी सपोर्ट करती है, लेकिन आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC आपको मिलेगा, लेकिन जो ग्लव बॉक्स है स्पेसिंग वगैरह सबको सेम है, टॉप एंड में आपको कूल्ड मिलेगा, यहाँ पर वो चीज़ नॉर्मल से छोड़ रखी है। और एक चीज़ और है, इसमें टॉप में आपको यहाँ पे लेदराइट जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिलता है, इसमें आपको नॉर्मल वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाएगा। बाकी देखो सब चीज़ वही है, और चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, सेम सारे फंक्शन, सब कुछ दिखने का तरीका सब कुछ वही है। इसमें भी आपको 4 स्पीकर ही मिलते हैं, ट्विटर का सेटअप इसमें नहीं आता है भाई। लेकिन जितना मैंने इस कार को अभी देख रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी
ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, काम की सारी चीज़ें दे रहा है, एक दो फैंसी चीज़ें नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपके लिए गुड टू गो वेरिएंट है। बाकी आपको पीछे की सीट में दिखाया था, देखो पीछे कुछ इस तरह से आपको पहले दिखाया था, इसमें कहता था ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे, फिक्स वाले ही इसमें मिलते हैं, लेकिन कम्फर्ट अभी भी वैसे ही आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पीछे यहाँ पर आपको देखो एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है इस तरह से, और दो एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे, तो पीछे भी कूलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी आगे की तरह। और डोर में देखोगे तो पीछे भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, आगे भी मिल जाएगा, आगे आपको ड्राइवर साइड वन टच डाउन वाला जो फंक्शन है वो भी मिल जाता है। तो इस नई जो फेसलिफ्ट i10 के बारे में हमने आपको बता दिया है, स्पोर्ट्सी मॉडल है, देखा है टॉप मॉडल से और इसके मॉडल में मतलब लुक वाइज ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, बस फीचर्स में डिफरेंस आता है, अंदर जो फीचर हैं सेफ्टी फीचर हैं एक तो चीज़ कम हो जाएंगी, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसी है। फ्रंट से अगर दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई तो आप देख के पहचान नहीं सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा मॉडल खड़ा है। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर भी हमको फॉलो करो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। तो हम दोनों मिलते हैं फिर से आपको एक नई और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।